नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम सागर, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल प्रेम सागर वर्मा। दोस्तों, स्वामी अपने हमेशा अपने ग्राहकों के लिए कुछ नया लेकर आते रहता है, हमेशा कुछ न कुछ दोस्तों नया इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करते रहता है। तो दोस्तों, इसी तरह दोस्तों स्वामी ने अपने पुराने फोनों को भी अपडेट करते रहता है। तो दोस्तों, उन्हीं में फोनों में से आ गया दोस्तों स्वामी की तरफ से मी 9 और रेडमी के 20 प्रो को। दोस्तों रेडमी के 20 प्रो और मी 9, दोस्तों जो मी 9 वो है जो ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया गया है, और रेडमी के 20 प्रो और दोस्तों ये इंडिया और चाइना में लॉन्च किया गया। दोस्तों, जो रेडमी के 20 प्रो और मी 9 के यूजर्स हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि दोस्तों स्पेशली मैं उन लोगों को बोलूंगा जो रेडमी के 20 प्रो के यूजर्स हैं, क्योंकि दोस्तों रेडमी के 20 प्रो हमारे इंडिया में भी लॉन्च हुआ गया है। तो दोस्तों रेडमी के 20 प्रो बेसिकली बहुत लोगों के पास होगा, क्योंकि दोस्तों रेडमी के 20 की लोकप्रियता से देखकर दोस्तों लोग बहुत लोगों ने उसे परचेस किया होगा, बहुत लोगों ने उसे किया। जैसे मैंने कुछ वीडियो में भी कमेंट करके पूछा था, दोस्तों उसमें बहुत लोगों का कमेंट्स आया था। तो दोस्तों उन्हीं लोग से दोस्तों ध्यान रखते हुए मैं आज इसकी वीडियो में बता रहा हूँ कि रेडमी के 20 प्रो को दोस्तों अब एंड्रॉइड क्यू बीटा में अपडेट मिलना स्टार्ट हो गया। आप लोग दोस्तों रेडमी के 20 प्रो के यूजर्स हैं तो दोस्तों अभी तक आपको नोटिफिकेशन नहीं मिला होगा। दोस्तों हमको पता है, क्योंकि दोस्तों ये जो अभी तक जो जारी किया गया अपडेट, ये अभी दोस्तों चाइना में जारी किया गया, चाइना के वक्त खत्म होते ही दोस्तों ये अपडेट आपके पास इंडिया में भी आ जाएगा, यानी कि चाइनीज वर्जन में भी ये अपडेट हुआ होगा। क्योंकि दोस्तों अभी आप लोग बस सब कुछ करना नहीं है, बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। जैसे ही इंडिया में अपडेट आएगा मैं वैसे ही आपको दोस्तों अपडेट कर दूंगा, से ही आपको बता दूंगा, वीडियो बना के दे दूंगा। जैसे दोस्तों आपको चैनल को सब्सक्राइब करके ही रखना है। दोस्तों इसको सबसे पहले आपको करना क्या है, इसे अपडेट करने के लिए पहले नोटिफिकेशन में देखना होगा। नोटिफिकेशन में आया नहीं होगा दोस्तों, वहां से देख लीजिएगा, वहां से चेक कीजिएगा, फिर वहां से जाकर इसे डाउनलोड कीजिएगा इस अपडेट को। तो दोस्तों अपडेट को जैसे ही वहां से अपडेट करने के बाद आपको नए नए फीचर्स जुड़ जाएंगे। यहां देखो आप परमिशन भी हो जाएगा, बहुत से ऐसे ऐप जो सपोर्ट नहीं करेंगे वो भी इसमें सपोर्ट होने लगे। जैसे कि दोस्तों इसमें ऑलरेडी जुलाई का सिक्योरिटी पैच दिया था, दोस्तों अपडेट करके फिर से ही जुलाई का ही सिक्योरिटी पैच दे रहा था, यानी कि दोस्तों जब रेडमी के 20 प्रो के जैसे ही लॉन्च हुआ था उसके कुछ दिन बाद ही आया कि दोस्तों ये जब मिलना स्टार्ट हुआ था ऑनलाइन, तब से इसको एक बार और सॉफ्टवेयर अपडेट किया था। यार दोस्तों ये कह सकते हैं दूसरी सॉफ्टवेयर अपडेट है दोस्तों, ये सॉफ्टवेयर अपडेट बहुत बड़ा अपडेट कर सकते हैं एंड्रॉइड क्यू बीटा में। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग रेडमी के 20 प्रो है, और दोस्तों रेडमी 9 को भी बहुत लोग खरीदने वाले हैं, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में चाइना से भी चाइनीज वर्जन में भी बहुत लोग ऑर्डर किए थे। तो आप लोग भी कमेंट करके बता दीजिएगा मी 9 को यूज करने वाले कितने और रेडमी के 20 प्रो को यूज करने वाले कितने हैं, हमें कमेंट करके बता भी दीजिएगा। इससे जुड़ी कुछ और जानकारी चाहिए दोस्तों कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों भी शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो, तब तक जय हिंद।